नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारे YouTube चैनल टैग दुनिया में स्वागत है। मेरा नाम है प्रीतेश। आज दोस्तों इस वीडियो में एक एलईडी लाइट चेजर के साथ एक एलईडी लाइट बल्ब बनाएंगे, एक फ्लावर केस जैसे, जैसे लोटस उसका पंखुड़ी ऐसे होता है, ये पंखुड़ी जैसे है कि फ्लावर जैसे है कि एलईडी लाइट बनाएंगे। इसके साथ आप एक चेजर भी बनाएंगे। आप इसको बनाकर एक दीपावली में जो सारे त्यौहार आता है, फेस्टिवल आता है, उसमें आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा, जब अंधेरा होगा ना रूम, इसको चलाओगे ना बहुत ही अच्छा लगता है। और दोस्तों इसको हम एक जो चेजर बनाएंगे, मोटर यूज नहीं करेंगे, आईसी भी कुछ नहीं यूज करके, सिर्फ कुछ ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर और एक रजिस्टर को यूज करेंगे। ये 12 वोल्ट से चलता है ये सर्किट जो बना है। इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे, स्किप करोगे तो अच्छे से समझ नहीं पाओगे और नहीं भी बना सकते हैं। आप वीडियो के एंड में भी मैं आपको एक डायग्राम का मैं शो कर दूंगा, डायग्राम का पिक्चर एक, और मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। और बिना डर के भेज सकते हैं, चलिए। दोस्तों ऑयल पैनल लेना है और दो सर्किल हम इसके माप से कट कर दिए हैं, इसमें सारे इसको ग्लू कर देंगे फेविकोल के मदद से। इस तरह से दोस्तों एक ग्लू स्टिक आपको लेना है, एक दो इंच लगभग रख के आपको कट कर देना है कटर के मदद से। कटर यूज करने के वक्त आपका हाथ का अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक सोल्डिंग आयरन से हम इसमें होल कर देंगे, और जो आप ड्रिलर है भी तो अच्छे से होल कर सकते हैं। ऐसे ही एक एलईडी लाइट को इसके अंदर डाल देंगे। एलईडी लाइट को अच्छे से घुसाने के बाद इसके जो चारों तरफ हम ग्लू स्टिक को थोड़ा भर देंगे। अब दोस्तों ग्लू स्टिक को रख के हम कंपास के मदद से इसमें होल कर देंगे। और दोस्तों ग्लू गन के मदद से थोड़ा ग्लू भी कर देंगे, जैसे ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसके चारों तरफ हम लगा दिए हैं लाइट सारे। और दोस्तों एक ग्रीन कलर एलईडी लाइट लेंगे, वो रेड वाला था। अब सारे दोस्तों ग्रीन एलईडी लाइट ऐसे आपको बना देना है और इसके चारों तरफ भी हम लगा देंगे। मैं थोड़ा एक 9 वोल्ट के बैटरी से टेस्ट कर रहा हूँ, इसका पावर चला गया है इसलिए फ्यूज नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस का जरूरत नहीं पड़ा। इसके बीच में हम दोस्तों ऐसे ही कंपास के मदद से होल करना है हमको। दोस्तों ग्लू करने का काम आपको बंद नहीं करना है, सारे एलईडी के साथ करना है। अब दोस्तों देखिए ये सारे चारों तरफ में एलईडी को सारे फिट कर दिया हूँ। ऐसे ही और एक फेज करना है, इसके बीच में थोड़ा और एलईडी और एक कलर का एलईडी को फिट करना है, और इसके बीच में भी एलईडी फिट करना है। ऐसे ही ग्लू स्टिक से हम एलईडी फिट कर देंगे। ऐसे ही इस तरह से हम इसके अंदर एलईडी स्लाइड सारे लगाएंगे। कैसे दोस्तों देखिए फिल हो गया है, और एक बीच में एक आरजीबी एलईडी लाइट जो तीन प्रकार कलर का हो जाता है, ऐसे ही एक एलईडी लाइट को हम इसके बीच में फिट कर देंगे ग्लू स्टिक के मदद से। इस तरह दोस्तों इसके बीच में हमको डाल देना है, फिट कर देना है। इसके देखिए इसके पीछे में थोड़ा वायरिंग हम करेंगे। अब दोस्तों देखिए इस एलईडी लाइट में जो सारे छोटा टांग है वो सारे नेगेटिव टांग होता है, इसलिए एक व्हाइट वायर लेंगे। जितने सारे इसमें छोटा टांग वाला एलईडी लाइट का टांग है वो नेगेटिव होता है, तो मैं बोल दिया हूँ एक व्हाइट वायर से कनेक्ट कर देंगे। इसका कनेक्शन आपको पैरेलल में करना है, इसलिए सारे नेगेटिव को हम एक ही वायर कर देंगे पहले। अब दोस्तों देखिए जो व्हाइट कलर एक वायर लिए थे वो सारे नेगेटिव वायर कनेक्ट कर दिए हैं हम जो सारे रेड लाइट के साथ। अब दोस्तों देखिए एक ब्लैक वायर लिए हैं, जो सारे रेड वाला जो लाइट था उसके पॉजिटिव टैंक से हम एक ब्लैक वायर को सारे कनेक्ट कर दिए हैं। मैं वीडियो के लास्ट में आपको डायग्राम भी दे दूंगा। इसके दोस्तों इसके बाद दोस्तों ये देख रहे हैं जो रेड वाला एक वायर देख रहे हैं वो सारे ग्रीन कलर एलईडी लाइट के पॉजिटिव टैंक से मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। सिंगल तो एक नेगेटिव तो हो गया सिंगल वायर, और दोस्तों ये सारे जो पॉजिटिव टैंक है वो यहाँ पर मैं ये रेड कलर वाला जो ग्रीन लाइट का पॉजिटिव से रेड कलर वायर से कनेक्ट कर दिया हूँ। इस तरह से दूसरे सारे भी एलईडी लाइट के पॉजिटिव से हम एक और एक सिंगल वायर कनेक्ट करेंगे। एक ब्लू वायर आप दिख रहे हैं वो पॉजिटिव वायर से सारे जो ब्लू लाइट था उसके पॉजिटिव टैंक से मैं कनेक्ट कर दिया हूँ, और बीच में जो एक आरजीबी लाइट था उसके साथ भी मैं कनेक्ट कर दिया हूँ ये ब्लू वायर को। अब दोस्तों इसका सर्किट बनाते हैं, जैसे ब्लिंकिंग है, इमिटर बेस कलेक्टर होता है, ये
ट्रांजिस्टर का, इसे थोड़ा थोड़ा सोल्डिंग कर देंगे ये सारे इमिटर बेस कलेक्टर में। इसके बाद दोस्तों ये जो कलेक्टर होता है ट्रांजिस्टर का, एक कॉपर सिंगल कॉपर वायर से तीनों ट्रांजिस्टर के साथ हम कनेक्ट कर देना है। ये BC547 ट्रांजिस्टर है। अब दोस्तों एक 25 वोल्ट 100 मेगाफैरड का कैपेसिटर लेना है। ये दोस्तों देखिए जो नेगेटिव लाइन हुआ है यहाँ पर, ये नेगेटिव पार्ट होता है, ये टांग होता है और एक पॉजिटिव टांग होता है कैपेसिटर का। ये जो नेगेटिव पार्ट है हम ट्रांजिस्टर के बेस में कनेक्ट करना है और एक ट्रांजिस्टर के एमिटर में कनेक्ट करना है। इस तरह से तीनों कैपेसिटर को आपको कनेक्ट कर देना है। अब दोस्तों इस तरह 1K का 3 रेजिस्टेंस लेना है, इस सारे को हम ये जो ट्रांजिस्टर के बेस में कनेक्ट कर देना है ये तीनों रेजिस्टेंस को। इसके बाद दोस्तों एक कॉपर सिंगल कॉपर वायर से तीनों रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देना है। और दोस्तों देखिए 330 ओम का चार रेजिस्टेंस हम लिए हैं, एक दो दो हम ऐसे ही जॉइंट कर दिए हैं पैरेलल में। इसका वैल्यू हाफ हो जाता है जब हमको इसको पैरेलल में जोड़ देते हैं। ये सारे को हम जो होता है इमिटर में, ट्रांजिस्टर के इमिटर में कनेक्ट कर देना है ये सारे रेजिस्टेंस को। ऐसे ही तीनों रेजिस्टेंस को इमिटर के साथ कनेक्ट कर देना है सारे ट्रांजिस्टर के में। तो देखिए ये सारे करने के बाद एक सिंगल और एक कॉपर वायर लेंगे, जो 330 ओम का रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं इस सारे को सोल्डिंग कर देंगे एक ही सिंगल कॉपर वायर से। इसके बाद दोस्तों एक 47K का आप 10K का भी वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं रेगुलेटर, एक ही इसको एक क्लैक को हम 330 ओम वाला रेजिस्टेंस से कनेक्ट करना है और एक टांग को हम और एक वायर को हम 1K रेजिस्टेंस के वायर से कनेक्ट कर देना है ऐसे ही। देखिए दोस्तों कैपेसिटर में एक जो टांग बचा इसमें एक ब्लैक वायर कनेक्ट कर दिए हैं, इसको एक पहले ट्रांजिस्टर के इमिटर में कनेक्ट कर देना है। इमिटर में कनेक्ट करना है जो 330 ओम से लगा था, इसको ही कनेक्ट करना है इमिटर में। देखिए अब दोस्तों एलईडी लाइट के सारे पॉजिटिव वायर जो है ये के दिखे इस सारे बीचों में इमिटर में सारे तीनों ट्रांजिस्टर के इमिटर में वायर कनेक्ट करना है। मैं रेड वायर कनेक्ट कर दिया हूँ, इसके बाद ब्लैक वायर और एक बार व्हाइट वायर को कनेक्ट कर दिया हूँ और एक तीनों एलईडी लाइट के लिए। इसके बाद दोस्तों हमें पावर सप्लाई देंगे ऐसे ही, एक आपको डीसी सॉकेट लेना है। दोस्तों डीसी सॉकेट में जो एक पॉजिटिव वायर होता है वो पॉजिटिव वायर को हम 330 ओम रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करना है और जो यहाँ पर लेफ्ट में इसमें आपको नेगेटिव वायर को कनेक्ट कर देना है। ये जो एलईडी लाइट के नेगेटिव वायर व्हाइट वाला नेगेटिव वायर को आपको सिर्फ ये जो पावर सप्लाई के नेगेटिव वायर से कनेक्ट करना है और जो तीनों पॉजिटिव वायर निकला है ये एलईडी लाइट में वो सारे तीनों पॉजिटिव लाइट है हम ट्रांजिस्टर के इमिटर से जो कनेक्ट किए थे उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। एक डीसी अडाप्टर के 12 वोल्ट हम इसके इनपुट देंगे। अब दोस्तों देखिए कैसे एलईडी लाइट का जो वेरिएबल रेजिस्टेंस को मैं जैसे मोड़ता हूँ कैसे इसका लाइट का पैटर्न चेंज हो रहा है। दोस्तों जैसे मैं इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस को मोड़ूंगा ये ब्लिंकिंग का टाइमिंग जो एलईडी लाइट के में है वो घटेगा बढ़ेगा कमेगा इस तरह। तो देखिए मैं फूल ही इसको मोड़ दिया हूँ और ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है। कार्डबोर्ड से मैं बॉक्स बना दिया हूँ, इसमें सारे वायरिंग को फिट कर दिया हूँ। एक कैप हम लगा देंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस में और दोस्तों ये इस सारे वायर को हम रख कर यहाँ पर ढक्कन लगा देंगे। आप ये कार्डबोर्ड से बना सकते हैं, प्लास्टिक से बना सकते हैं, वुड से भी बना सकते हैं, आपके मर्जी है। आपको एक होल भी कर देना है जैसे हीट इसके अंदर पास हो सकता है। एक फनल को हम इसके अंदर घुसा दिए हैं और एक गांठ भी पका दिए हैं ये वायर को। अब दोस्तों फिट हो गया है, इसमें 12 वोल्ट इनपुट देकर थोड़ा चला कर देखेंगे कैसे लग रहा है। दोस्तों ऐसे ही मैं एक वायर से बनाया हूँ, ऐसे ही आप बना कर इसको हॉल करके इसके अंदर ऐसे फिट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको मैं हमारे वॉल में इसको फिट कर दिया हूँ। फिट करने के बाद इसको हम मज़ा लग सकते हैं ये एलईडी लाइट को। इसको आप फेस्टिवल में भी यूज कर सकते हैं, दीपावली पे भी यूज कर सकते हैं, कोई भी बर्थडे पार्टी जिसमें भी यूज कर सकते हैं। कैसा इसका लुक लग रहा है आप कमेंट करके मुझे बताना।
दोस्तों अगले सैटरडे मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।